हाउ डू सी खान साहब वो कोर्ट्स बुला रहे हैं वो कह रहे हैं मैं नहीं जा सकता लेकिन मैं जल्दी कर सकता हूँ ये उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स थे कि जी वो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है मुझे जाने दें जैसे ही बाहर गए वहाँ पे नजम सेटी साहब के साथ कश्ती चला रहे थे हमने देखा था। तो या बर्गर खा रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं तो ये है कि मेरी तो देखें इन दोनों साइड्स में से किसी को सपोर्ट करना मुझे जहालत लगती है उसकी वजह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये इंटरा इस्टेब्लिशमेंट वॉर है ये इस्टेबलिशमेंट इस्टेबलिशमेंट से लड़ रही है अगर इसमें से एक साइड आपने पिक की तो यू आर पार्ट ऑफ आइदर ऑफ़ द ग्रुप्स उसकी वजह ये कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऐसे सियासी लीडरान को खड़ा किया इसके बाद में ब्रेन वॉश किया मैसेज को तीस साल तक सब चोर हैं सब डाकू हैं सब खा गए सब लूट गए इसके अलावा नवाज़ शरीफ को बनाया जिया साहब ने नाइन्टीज़ में उन पर इन्वेस्टमेंट थी इमरान खान साहब को बनाया आजकल पीपल्स पार्टी के बड़े करीब हैं वो लोग माशाला जो इनकलाबी पार्टी थी तो एक तरफ वो हैं जिन्होंने सारा रॉट पाकिस्तान का जो है ना उसकी बुनियाद रखी है जिन्होंने करिकुलम डिज़ाइन किए हैं बच्चों को ब्रेन वॉश किया है इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया सियासत में मुदाखलत की पार्लियामेंट को बेतौिर किया दूसरी तरफ वो साहब हैं जो कहते हैं कि औरतों के कपड़े ठीक होने चाहिए अदरवाइज़ मर्द रोड तो नहीं है ना दूसरी तरफ वो साहब हैं जो कहते हैं अठारहवीं तरमीम बकवास थी इसको मैं उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि स्कैंडिनेविया में डेमोक्रेसी चल सकती है वो लोग इखलाक ही होते हैं हम बद अखलाक हैं या नहीं चल सकती दूसरी तरफ वह हैं जो कहते हैं सदारती निज़ाम होना चाहिए वो प्रेजिडेंशल सिस्टम जिसके तहत पाकिस्तान आधा टूट चुका था सेवनटी वन में क्योंकि आपको वन यूनिट का बुखार छड़ा हुआ था कि सदर फैसले करेगा वो वो वापस लाना चाहते हैं और वो कहते हैं पाँच सौ लोगों को फांसी दे दो सब ठीक हो जाएगा तो इसके अलावा वो कहते हैं लिबरल्स स्कून नहीं होते हैं चैनल्स को बंद कर देना चाहिए फजूल डिबेट्स होती हैं इनके ऊपर ठीक है और सिंगल नेशनल करिकुलम ला के बजाय इसके कि मदारस को अपग्रेड करते स्कूलों को भी उनके लेवल पर ले जाओ ठीक है सोशल प्रोजेक्ट आपका ये है और इसके अलावा मिनिस्टर्स जो उन्होंने रखे हुए हैं एक बदतमीज़ लोगों की एग्रीगेशन है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ए बी सी का नहीं पता कोई एक लेजिस्लेशन पास नहीं करनी आती और तीन परसेंट हाजिरी है पार्लियामेंट की साढ़े तीन साल में पैंतालीस ऑर्डिनेस पास किए तो लेजिस्लेशन का तो पता ही नहीं है हर चीज़ सदर कर रहा है और दूसरी बात यह है कि वन पेज जो बनाया जनाब ने उसके तहत जितनी सेंसरशिप हुई मैंने ज़िंदगी में नहीं होती देखी और वो इसीलिए कि पहले यह था कि एक वॉर होती थी सियासी पार्टी इस्टेबलिशमेंट की अब वो दोनों लड़ रहे हैं तो मीडिया कहीं ना कहीं स्पेस ले लिया करता था सियासी पार्टी के हक़ में और कुछ इस्टब्लिशमेंट के हक़ में हो जाया करते थे इनके दौर में ये हुआ कि दोनों ही एक पेज पे हैं जैसे ही किसी ने कोई बात की तो ये तो पैसे दे के भी नहीं चुप कराते मीडिया को ये तो फ़ोन करवा देते थे कि बस ये बात नहीं करनी ये नहीं करना तो उनका अपना सोशल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट प्रो मैक्स है इसीलिए इन दोनों में से किसी एक साइड के लिए हमदर्दी या उनको उनको कंडेम करना इट्स बियॉन्ड मी मुझे समझ नहीं आती लेकिन जो हो रहा है आ, उसमें मैं नहीं समझता कि पी की हुकूमत कुछ कर रही है इन्हें तो शायद सबसे कम पता होगा क्या हो रहा है <स्थाथ> उसकी वजह के वो खुद पपेट्स हैं और किसी बात का नहीं पता चीज़ वाँगा चीज़ वाँगा चीज़ खुद कहते हैं ताकतवर से बात करूंगा कि जी जी परसंस के बारे में कि उनको छोड़ दें हाँ बस खुद ना जो है वो लापता हो जाए ये ख़तरा है हमें बड़े मासूम हैं तो उसके अलावा तो यही है कि देर हैव एनी पावर और वो सेल यही है कि इनमें से किसी एक को भी आप कर लें सपोर्ट एक ही चीज़ है ऑल थ्री ऑफ दीज पार्टीज मेन स्ट्रीम पार्टीज़ आर वन ऑफ द सेम थिंग आई थिंक जंग ये नहीं है कि सिविल सुप्रीमसी की जंग ये है कि हम अच्छा हमें गोद ले लें हम अच्छा परफॉर्म करके बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि वो और वो उनकी जुबान से और उनके कॉल से फेल से भी दिखाई देता है वो कहते भी यही हैं अभी रिसेंटली कहा कि जी हमें बात तो करके देखें हमसे आग तो बात ही नहीं करते ये मसला है आपका तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंटेरियनिज़म इनका ये है कि ये कहते हैं फैज़ आना चाहिए था ये एंटी इस्टेबलिशमेंट है मतलब उसमें ये नहीं कि सियासत में मुदाखलत ना हो उसमें यह है कि आके हमें क्यों नहीं सपोर्ट किया अब हम तुम्हें जानवर कहेंगे न्यूट्रल कहेंगे तुम्हारी बेजती भी करेंगे लेकिन जैसे ही हमारी सपोर्ट करोगे चुप कर जाएंगे तो ये आई थिंक इट्स एन एलोजन ऑफ अ ग्रेट लीडर और पाकिस्तान में मसाया कॉम्प्लेक्स बहुत आम है एक बंदा आएगा और वो आके सब ठीक कर देगा हर चीज़ ठीक हो जाएगी वो सबको फांसी लगा देगा मैं इंटरव्यूज करता रहा हूँ अपने चैनल के लिए जो पहले जहाँ काम करता था आउटडोर तो मैं माइक लेके कर जहाँ भी जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ क्या होना चाहिए मार्शल ऑ ला दो फांसियाँ दे दो सारे अनु चोरा सब ठीक हो जाएगा अभी तक वही मसाया कॉम्प्लेक्स है तो वो रहेगा और इसी ये बिक भी रहे हैं जनाब क्योंकि उनको टिकटॉक का फेसबुक का यूट्यूब का इस्तेमाल आता है सिर्फ ये है परफॉर्मेंस की बेस पे कहाँ किसी ने वोट डाला कोई एक बता दे जो मरने के लिए तैयार है इनके लिए कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में ये तब्दीली आई है नहीं आई परवेज़ लाई जो कि बदनुमा चेहरा है इस्टबलिशमेंट की सियासत का वो वो सदर बन गया है पार्टी का एजोल साहब साथ, साथ बैठे हुए हैं उमर एयूब साथ बैठा हुआ है जो ऐब खान का जो है ना वो पोता है और, और ये तब्दीली की बस चल रही है जिसमें जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को पूरी कोई वो पंजाबी में कहते हैं ना चमेड़ के ले गए हैं hmm. वो कर लिया इन्होंने तो ये जिसको भी इनसे होप है आई आई विश दम बेस्ट ऑफ लक बट दे आर डू सी इसको खींचते रहेंगे नहीं फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है और अगर नबे दिन से एक दिन भी ऊपर होता है तो मैं तो मेरी तरह के लोग तो इनके खून के प्यासे हो जाएंगे उसकी वजह यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट जो सेट करने जा रहे हैं इट्स वेरी डेंजरस उसमें यह है कि अगर मेरा दिल नहीं गारा नहीं अभी नहीं होंगे मैं दस साल बैठा रहा भाई कि फिर कब होंगे आप ये बता दें या तो जिया ने नेूब ने अयूब ने, ने तो नहीं खैर बल्कि हाँ जिया ने यह किया था कि नबे दिन का वादा किया आगे पी टी वी पर रात को आते थे ना एकदम से मेरे अजीज़ हम वतन और ये मुल्क के बेहतर मफाद में इवन ऐब साहब ने तो ये कहा था कि यहाँ डेमोक्रेसी आ नहीं सकती क्योंकि गर्म इलाकों में डेमोक्रेसी काम नहीं करती ये थीसिस दिया था उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे पाकिस्तान में चूंकि वो स्टेबिलिटी नहीं है जो एक वेस्टर्न एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ लोग बड़े अग्रेसिव हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं आ सकती तो उनका यह था तो खैर नवे दिन का वादा उन्होंने किया जब नबे दिन हुए तो उनसे सवाल हुआ कि इलेक्शन का कहा था आपने उन्होंने कहा कोई आसमानी सही वादा कहा बात ही की थी ना अब करा देंगे बाद में इनका भी ऐसे ही है तो साहब ने एक बार कहा था ना कोई हदीस हो थोड़ी होती हो हाँ, बिल्कुल तो रईसानी साहब ने कहा था डिग्री डिग्री होती हाँ। है जाली हुई है असली तो खैर ये है कि ये प्रेसिडेंट ये सेट करने जा रहे हैं पहली बार कि जो इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टॉल की हुई है लाहौर के अंदर वो फैसले कर रही है बैठ के जो कि टूथलेस है कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होना चाहिए तो ये ड्रैक करते दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जो लास्ट मीटिंग हुई है स्टेक होल्डर्स की उसमें असल स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि जानों को ख़तरा अभी ना कराएँ तो वो सारी पिक्चर वाजे हो जाती है उसके बाद और 20-25 अरब चाहिए पंजाब के बी के इक्शन के लिए पाँच अरब दिया उसके बाद पैसे भी नहीं दे रहे तो इलेक्शन कमीशन वाले के अपनी जेब काट के सारा करा दें और भी तो सेंसस का भी कह रहे हैं इनफैक्ट हो भी रहे वो इसीलिए किया था कि डिले आ सके अदरवाइज सेंसस का जवाब मिड इलेक्शन में क्यों क्रिएट किया आपने पहले कर लेते या वेट कर लो तीन महीने उसके लिए हल्का बंदियों का सारा जो तो वो यही है कि किसी तरह मेरा ख्याल है अक्टूबर गुजारना चाह रहे हैं शायद ये मतलब ये एक नैरेटिव है जो कि सर्कल्स में डिस्कस होता है कि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो तब ज़रा इनको ग्राउंड मिलेगा पी वालों को या शायद फ़िलहाल तो मुश्किल है इनके लिए क्योंकि बड़ा इस वक्त जो जुडिशल हल्कों का जो माहौल है वो इनको सूट नहीं करता सो दे जस्ट वांट टू गो बियॉन्ड अक्टूबर में भी और सितंबर लेकिन फिर भी इस साल इट्स डिफिकल्ट अगर आपने क्लिप एंजॉय इंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कर ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया